नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। भारत के सनातनी लोग सभी को सुखी रखने के लिए खुद को मृत्यु के घाट पर नहीं उतार सकते। हमारा मूल चरित्र है सर्वे भवन्तु सुखिन। हम किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे, अपनी संस्कृति को बचाने की बात हो रही है। जहां पर मुस्लिम बहुसंख्या है वहां पर दुनिया देख रही है कि अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। अगर देश के वर्तमान हालत ऐसे ही रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में 15 से 20 साल बाद यही स्थिति होगी। ये कहना था प्रसिद्ध कथावाचक देविकानंदन ठाकुर का। कथावाचक देविकानंदन ठाकुर का आज ताज नगरी आगरा में सेल्फी पॉइंट पर आगमन हुआ, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। हिंदू को अपनी संस्कृति बचाने का क्या अधिकार नहीं है? अपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है किसके लिए आवश्यक है। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में मदरसों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, वहीं हमारी संस्कृत को बचाने का काम करने वाले गुरुकुल को खत्म करने का काम किया है। भारत सरकार को चाहिए कि देश की संस्कृति को बचाने के लिए गुरुकुल की स्थापना करवाएं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। इस समय देश में एक विमर्श चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, तमाम संत लोग सामने आ रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वाण हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, और कोई भी कितनी भी कंट्रियाँ आप देख लीजिए, जहाँ पर बहुसंख्या हम लोग अल्पसंख्या में आए हैं, वहाँ हम लोगों की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ हमारे पूजा मंदिरों का क्या हो रहा है, वहाँ हमारी व्यवस्थाओं के साथ क्या हो रहा है। और यही हाल अगर हम लोग नहीं सुधरे, 15-20 साल में हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो आने वाले समय में यही हाल भारत में भी होगा। हिंदुस्तान का मूल चरित्र तो सेक्युलर है ना, संविधान सेक्युलर, ये सारी चीजें आखिर हो क्यों रही हैं सर? नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता सेक्युलर और सेक्युलर। हम लोग किसी को भगाने की बात तो नहीं कर रहे। हम लोग, हमारा सनातन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सुखी रखने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सबको सुखी रखने के लिए अपने आप को मृत्यु के घाट में नहीं पहुंचा सकते ना, अपने बच्चों की इज्जत का खिलवाड़ हम लोग नहीं देख सकते ना, आने वाली पीढ़ी पे जो विपत्तियां आएंगी, हम अगर 100 साल भी अपने देश की आज़ादी को बरकरार नहीं रख सके तो इसे हमारी मानवता कहा जाएगा क्या? महाराज जी, आपने बच्चों के लिए भी आपने कहा एक कानून बनना चाहिए। मैंने ये कहा है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि सभी सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें। उसके पीछे लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। आप सभी जानते हैं कि जिन जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने विवाह किया अलग धर्म में, उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उन्हें जिंदा जलना पड़ा, उन्हें मारपीट सहनी करनी पड़ी, उन्हें तलाक सहन करना पड़ा। औरों की तो बात छोड़िए, अभी एक हीरोइन है, उसने दूसरे धर्म में विवाह किया और उसने धर्म परिवर्तन नहीं बदला किया, तो उस लोगों ने, उनके धर्मगुरुओं ने क्या कह दिया, ये शादी नाजायज है। फिर उसकी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, जायज होगी क्या? वो भी नाजायज है। तो इसका मतलब है कि धर्म, जो विवाह करना है वो विवाह धर्म परिवर्तन करने का जरिया है। तो हम तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमारे बच्चों के लिए भारत सरकार कानून बनाए कि सनातनियों के विवाह सनातनियों में होगा। योगी है क्या जी सर? क्या एक धर्मांतरण विरोधी कानून बना रखा है? धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, मैं कह रहा हूँ शादी के लिए, कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में ही हो, ऐसा सरकार कानून लाए। हाल ही में आपने OTT प्लेटफॉर्म का भी विरोध किया है, उसका क्या कहना है आप? उसमें सारे रिश्तों की, परंपराओं की जितनी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं उससे ज्यादा उड़ाई जा रही है। हम सब भारतीयों का एक परिवार, जब हम लोग चाचा मामा ताऊ भाई बहन इन सब के साथ में जब जुड़ते हैं, उनसे हमारा परिवार जुड़ता है। लेकिन उन्हीं सारे परिवारों को सिर्फ भोग की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, वासना की दृष्टि से और बायकादन फुवड़ता परोसी जा रही है। इसलिए OPTT प्लेटफॉर्म अवश्य बंद हो जाना चाहिए, इन पे मर्यादा तो रख नहीं सकते ये लोग, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। कानपुर में एक नए बाबा की लॉन्चिंग देखने को मिली है, नए बाबा संतोष भदौरिया, और उन्होंने एक एक डॉक्टर को बहुत मारा पीटा, उसने FIR कराई है, तो और वो भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर आने, बाबा मार्केट में बहुत नए नए लॉन्च हो रहे हैं।
ये आप ऐसा शब्द यूज मत कीजिए, बाबा लॉन्च हो रहे, मैं इस विषय में जानता नहीं हूँ। उनके विषय सिद्धार्थ चौधरी ने एफआईआर कराई है, कराइए तो वो कानून अपना काम करेगा, मैं इस विषय में ज्यादा जानता नहीं। महाराज जी, आप जिस तरीके से मदरसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं, आप भारत संस्कृति के अनुसार गुरुकुल की बात करते रहते हैं, कितना भारतीय परंपरा में गुरुकुलों में ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए गुरुकुलम परंपरा जारी होनी चाहिए। और सरकार जो मंदिरों का पैसा ले रही है, उन मंदिरों के पैसों से भारत सरकार को भारतीय बच्चों के लिए, सनातनी बच्चों के लिए गुरुकुलम परंपरा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 5-10 गुरुकुलम बनाने चाहिए, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषाएं परफेक्ट तरीके से समझाई जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। धन्यवाद।